बोकारो के चास नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। चास नगर निगम के मेयर पद पर महिला प्रत्याशी का सीट रिजर्व होते ही महिला प्रत्याशियों में उमंग और उत्साह देख सकते हैं। ऐसे में पत्रकार गौरी रानी भी चास महापौर प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही है, जिसकी घोषणा उन्होंने आज चास स्थित अपने आवासीय कार्यालय में की। गौरी रानी चास के निर्वर्तमान मेयर भोलू पासवान की छोटी बहन है। महापौर प्रत्याशी गौरी रानी ने बताया कि जब वे पत्रकार थी तो हर समस्याओं को अपने समाचार के माध्यम से सामने रखती थी, लेकिन अब हमको न्यूज नहीं बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी करना है। उन्होंने आगे बताया कि बड़े भाई भोलू पासवान जी के नेतृत्व में चास नगर निगम के महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। जिस तरह से उनके भाई भोलू पासवान पर चास के जनता ने विश्वास किया है, उसी विश्वास को कायम रखते हुए आज वे आम जनों के बीच हैं। मैं जब पत्रकारिता कर रही थी तो जन मुद्दे उठा रही थी, मुझे समस्या पता है और इसका समाधान भी पता है कि कहाँ होना है। बस इसी सोच के साथ मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ और निश्चित तौर पर अगर मुझे चास की जनता का प्यार समर्थन मिलता है, भैया के काम से वो खुश होंगी, क्योंकि प्रथम मेयर भोलू पासवान ने 5 सालों में चास को विकास की गति देने का काम किया। कई ऐसे रुके हुए कार्य थे जो कि नहीं हुए थे, वो पूरे हुए हैं। चास नगर निगम का चुनाव मुझे लगता है वो घर का चुनाव है और बेसिक जो नीड्स है, जो घर के लोगों को चाहिए, नल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो बेसिक नीड्स को पूरा करना है सबसे पहली प्राथमिकता। और इसके साथ ही चास नगर निगम का अपना हॉस्पिटल और स्कूल हो, इस पर मुझे फोकस करना है। पास जो मैं कमिटमेंट कर रही हूँ कि 5 साल के अंदर ये दोनों बनेंगे, तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेंगे। और इसके साथ ही जो रुके हुए कार्य हैं, जो नहीं हुए हैं भैया के कार्यकाल में, उस काम को पूरा करना है। मैंने जीवन में हर चीज़ को चुनौती के ही तौर पर लिया है, क्योंकि मैं जब पत्रकारिता में फील्ड रिपोर्टिंग के लिए आई तो उस वक्त भी मुझे कहा जा रहा था कि तुम स्टूडियो में रहकर एंकरिंग करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, लोगों के बीच में नहीं रहना है। लेकिन मुझे लोगों के बीच में रहना था, मुझे चुनौती मैंने एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाया है। और आज अगर जनता मुझे चुनकर लाती है तो मैं उन मुद्दों को ना सिर्फ पहुँचाऊँगी बल्कि उनका समाधान भी करूँगी। और चास की जनता का आशीर्वाद रहा तो उनकी जो समस्या है मैं खुद सुनूंगी कि आखिर उनकी क्या समस्या है। आज से मैं कैंपेनिंग पर भी निकल रही हूँ तो मैं उनकी समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी। चलिए, अगर मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कह रही हूँ कि जब भैया ने मुझे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, ये शायद मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, जन मुद्दे उठा रही हूँ, वो एक अलग ताकत है क्योंकि चौथा स्तंभ है, आप भी जानते हैं कि मीडिया का ताकत। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि चुनाव के माध्यम से ही मिलते हैं, तो अगर वो मुझे मिलता है तो मैं उन मुद्दों को, उनके जो समस्याएँ हैं उसे पूरा करूँगी और भैया के जो काम जो छूटे हुए हैं उसे भी मैं पूरा करने के लिए ये मेरी जो पहली प्राथमिकता मिली। प्रेस वार्ता में भोलू पासवान भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो 40 सालों में कोई नहीं किया वो काम 5 साल में कर दिया हूँ। ऐसा कोई गली बचा नहीं जहाँ विकास नहीं हुआ है। छूटे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी छोटी बहन गौरी रानी को मैदान में खड़ा कर दिया। देखिए, काम तो अभी तक जो फर्स्ट फेज का जो काम हुआ है 5 साल में, बहुत काम हुआ। और जैसे हम लोग कुछ कुछ काम करना चाह रहे थे लेकिन वो ज़मीन अलॉटमेंट के कारण रुका है। जैसे एक स्कूल बनाने का था प्रोजेक्ट, एक हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट था और आपका एक फ्लाईओवर बनाने का प्रोजेक्ट था। ये 3 बड़ा प्रोजेक्ट था शहर के लिए, एक बहुत बड़ा मैंने यहाँ के चास के जनता के लिए होने जा रहा है, हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि एक पूरे फुटपाथ दुकानदार को व्यवस्थित करना, अस्त व्यस्त जो दुकान है जहाँ भी हैं, जैसे रांची में है आपका एक मार्केट है, उसी तरह का एक मार्केट यहाँ बनाने का। ये 4 बड़ा प्रोजेक्ट जो है लगभग प्रक्रिया, लगभग DPR भी रेडी था लेकिन तब तक कोरोना आ गया और उसके बाद तब तक कार्यकाल ख़त्म हो गया। तो कोशिश यही रहेगा कि इस बार हम तो बोले ही हैं और चूँकि रानी महापौर प्रत्याशी है और अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो ये सब प्रोजेक्ट 100% पूरा हो जाएगा। कोरोना के समय में मुझे याद है कि यहाँ के बहुत सारे हॉस्पिटल का मतलब ये हाल था कि बेड नहीं था। उस समय एक बहुत बड़ा जरूरत महसूस हुआ कि यहाँ पे ये होना चाहिए। और एक स्कूल, चूँकि यहाँ पे DPS और चिन्माया में सब एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना फीस दे के, तो एक ये भी था। तो ये सब चीज़ होगा तो उसका 100% लाभ पूरा चास के जनता को मिलेगा।